नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 40 वाट हॉर्न रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही इजी तरीका बताएंगे जिससे आप घर पे बड़ी आसानी से 40 वाट हॉर्न को आराम से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारे पास हॉर्न है वो स्पार्क कंपनी का है, 40 वाट 8 ओम का ये हॉर्न है। तो दोस्तों ये ख़राब हो चुका है, मतलब आवाज़ नहीं दे रहा है और इसका देखिए वायर और भी तोड़ के कस्टमर लाया है। तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी हॉर्न हो, ख़राब हो जाए, तो आपको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पीछे देखेंगे जहाँ जो खुला हुआ है तो यहाँ पर एक लोहे का कवर लगा होता है, लोहे कवर को आपको हटा लेना है। हटा लेने के बाद यहाँ पे आपका एक या तो स्क्रू होगा या तो नट बोल्ट होगा, तो आपको इस बोल्ट को देखिए यहाँ पे खोलना होगा। आपका किसी भी कंपनी का हो सकता है लेकिन सबका लगभग जो बनावट होता है लगभग सेम होता है। तो आपको क्या करना है, इस नट को पहले खोल लेना है। तो आइए फटाफट इसे हम खोल लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस नट को खोल दिया, इस तरह से आपको खोल लेना है। खोल लेने के बाद यहाँ जो पीछे आपका है ये इसका जो मैग्नेट है वो मैग्नेट वाला हिस्सा आपका निकल के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, आपको फिर पेचकस लेना है और यहाँ जो इसका ग्लास लगा हुआ है सामने वाला, इस पर तीन नट लगे होते हैं, 1 2 3, इन तीनों नट को खोल लेना है। तो फटाफट इसे भी हम खोल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों स्क्रू मैंने खोल दिया है। तीनों स्क्रू खोल लेने के बाद अब इस ग्लास को आपको यहाँ इस तरह से निकाल लेना है। ग्लास निकाल के आप साइड रख देंगे। अब यहाँ इसकी बांसुरी यहाँ बची, इसको आपको नहीं निकालना है। अब क्या करना है, यहाँ से जो तीन स्क्रू लगे हुए हैं, देखिए एक यहाँ और एक यहाँ पर, ये तीनों स्क्रू आपको खोल लेने हैं। तो इसे भी मैं खोल लेता हूँ। अब यहाँ खोल लेने के बाद आप इसे आराम से आप यहाँ से बाहर कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ मैग्नेट और ये क्वाइल लगा हुआ है इसमें। अब दोस्तों अगर आपका बचता नहीं है ये हॉर्न तो यहाँ से आपको कंटिन्यूटी चेक कर लेना है। कंटिन्यूटी अगर नहीं बता रहा है तो इसका मतलब आपका जो है ये इसमें ही प्रॉब्लम है। आपको इसमें और देखना क्या है, जब भी आप खोलेंगे देखिए यहाँ मैग्नेट के बीच में देखिए यहाँ जो गैपिंग है ये आपको बराबर मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए सभी साइड में एक समान गैप यहाँ पे बना हुआ है। अगर ये हट के किसी एक साइड में टच हो जाता है, एक साइड में सट जाता है, तो मतलब आपका ये मैग्नेट हिला हुआ है और इसमें आप कॉइल सही से फिट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमारा जो हॉर्न ख़राब हो जाता है, फिर रिपेयर नहीं हो पाता है। या तो फिर आप मैग्नेट को अच्छी तरह से फिर फिट करेंगे तब फिर से क्वाइल इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमारा हॉर्न बज नहीं रहा है और यहाँ से मैंने वायर भी चेक किया तो यहाँ वायर जोड़ने पर भी नहीं बज रहा है। तो अब ख़राब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सीधा हमारा मैग्नेट भी सही है और वायर लगाने पे भी नहीं बज रहा है। तो आपको क्या करना है, इस क्वाइल को चेंज कर देना है। तो यहाँ क्वाइल को आप देखिए यहाँ पर चिपकाया हुआ है, यहाँ से आप इसको हटा लेंगे और फिर आयरन की मदद से यहाँ से क्वाइल को आप निकाल लेंगे। अभी दोस्तों हमने क्वाइल को यहाँ से आयरन की मदद से बाहर कर लिया है। अब आपको क्या करना है, एक नया क्वाइल लेना है। ये क्वाइल आपको मार्केट में 10 से 15 रुपए के आसपास मिल जाएगा। आपके मार्केट में कुछ और हो सकता है, 15 से 20 हो सकता है, लेकिन ये बड़ी आसानी से मिल जाता है। आपको 40 वाट हॉर्न का क्वाइल कह के मांग लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्वाइल को कुछ इस तरह से फिर जैसे हमारा पुराना वाला फिट था उसी तरह से यहाँ इस दोनों वायर को इसके होल में यहाँ लगा के और पीछे से आपको सोल्ड कर देना है। तो यहाँ मैं इसे फटाफट लगा लेता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ मैंने क्वाइल को देखिए यहाँ इसके होल में डाल दिया है। अब जब नया क्वाइल ख़रीदेंगे तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा। ध्यान ये देना होगा आपका जो देखिए क्वाइल है ये एकदम से गोल होना चाहिए, इसमें कहीं भी दबा हुआ या टेढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेढ़ा होगा तो आपका मैग्नेट में सही से फिट नहीं होगा और आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। अभी क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ ये कागज़ का गद्दी लगा होता है, ये भी आपका लगा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, क्वाइल यहाँ फिट कर लेने के बाद अब यहाँ पे इसको आप इस तरह से इसमें लगा लेंगे और लगा लेने के बाद इसमें तीनों स्क्रू को थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे टाइट कर देंगे। दोस्तों मैंने यहाँ तीनों स्क्रू को थोड़ा थोड़ा टाइट कर दिया, फुल टाइट नहीं किया है। अब क्या करेंगे, यहाँ जो दोनों पॉइंट है दोनों पॉइंट पर पेस्ट लगा के और फिर इसको हम सोल्डर कर देंगे।
देखिए यहाँ शोल्डर हम अच्छी तरह से कर लेंगे, बस इतना नहीं करेंगे कि हमारा प्लास्टिक यहाँ से गल जाए, चूँकि दोनों साइड में प्लास्टिक है, प्लास्टिक के बीच में हमारा लोहे का प्लेट पड़ा हुआ है। यहाँ उसके शोल्डर लगा लेने के बाद अभी आप जो भी वायर इसमें जोड़ना चाहते हैं वो वायर लेंगे और दोनों वायर को यहाँ पर इस तरह से जोड़ लेंगे। अब दोनों वायर जोड़ लेने के बाद अब आपको कोई भी एक प्लेयर लेना है जिससे आप सॉन्ग कोई बजा सकें, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसे अपने प्लेयर से कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी हमने इसे अपने प्लेयर से कनेक्ट कर दिया ब्लूटूथ एम्पलीफायर से। अब यहाँ क्या करना है आपको, आवाज़ धीमी रखना है। देखिए इस तरह धीमी आवाज़ रख के, और अब इसे जो यहाँ आपका जो क्वायर लगा हुआ मैग्नेट को पकड़ लेना है और इसे इस तरह देखिए यहाँ पे आपको दाएं बाएं करके यहाँ देखना है, जहाँ पे आपका आवाज़ क्लियर आता है वहीं पे हाथ से दबा लेना है और दबा के अब यहाँ क्या करेंगे आप, तीनों स्क्रू को फुल टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्लियर है, यहाँ पे आवाज़ अच्छी आ रही है, तो यहाँ लगा के मैं तीनों स्क्रू को फुल टाइट कर दे रहा हूँ। देखिए अभी हमारा तीनों टाइट हो गया फुल, अभी आप देख सकते हैं आवाज़ बहुत ही क्लियर इसमें आ रही है। इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसका जो ग्लास है इस ग्लास को भी हम लगा देंगे, लगा के और तीनों स्क्रू जो थे हम फिर से वापस टाइट कर देंगे। तो अभी हमने इसका ग्लास भी यहाँ फिट करके और अच्छी तरह से स्क्रू को टाइट कर दिया है। अब आपको बस करना क्या है, जो आपका ये बॉक्स है इसका बड़ा वाला बॉक्स है, इस बॉक्स में डाल के और फिर इस नट को आपको टाइट कर देना है और आपका जो है ये हारन बनके कंप्लीट हो चुका, आप इजीली इसको यूज में आप ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी हारन अगर इस तरह का ख़राब होगा तो आप इजीली उसको रिपेयर कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।